सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आप सभी ने भारत के अलग अलग मिसाइल्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल और ऐसी अन्य सभी। लेकिन आप में से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने भारत की त्रिशूल मिसाइल के बारे में भी सुना होगा, क्योंकि ये भारत का वो मिसाइल सिस्टम था जिसे डेवलप तो किया गया था लेकिन इसे कभी भी सर्विस में इंडक्ट नहीं किया गया। और ऐसा क्यों था, ये आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। त्रिशूल भारत की शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल थी जिसे डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर विकसित किया था। वही प्रोग्राम जिसके तहत अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, नाग मिसाइल और आकाश मिसाइल भी विकसित की गई हैं। और इस त्रिशूल मिसाइल को खास करके इसलिए विकसित किया गया था ताकि इससे इंडियन नेवी की फ्रिगेट्स में इंटीग्रेट करके लो फ्लाइंग अटैकिंग मिसाइल्स के खिलाफ एक एंटी सी स्कीमर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि ये मिसाइल खास करके उन टारगेट्स को हिट करने के लिए बनाई गई थी जो रेडार को अवॉइड करने के लिए कम ऊंचाई पर भी उड़ सकते थे। इस त्रिशूल मिसाइल वाले प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 1983 में और 1992 तक इसे पूरा भी कर लिया गया था। और फिर जिसके बाद ये मिसाइल एंटी सी स्कीमर रोल्स के लिए इंडियन नेवी की ब्रह्मपुत्रा क्लास फ्रिगेट्स में इंटीग्रेट की जानी थी। और जबकि इससे पहले 1985 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिसाइल की पहली अनगाइडेड फ्लाइट भी कंडक्ट की गई थी जो कि पूरी तरीके से सफल थी। और फिर इसके बाद 1989 में इस मिसाइल की फुल रेंज में गाइडेड फ्लाइट कंडक्ट की गई और उस टेस्ट के दौरान ये मिसाइल मैक 2 यानी कि करीब 2469 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को हासिल करते हुए टारगेट को सफलतापूर्वक हिट करने में कामयाब रही थी। और जब 1992 तक इस मिसाइल को पूरी तरीके से डेवलप किया जा चुका था तो तब भी ये मिसाइल तब तक ऑपरेशनल नहीं हो सकती थी जब तक इसका रडार सिस्टम तैयार नहीं होता। और फिर 1997 में जाके इसका जो रडार सिस्टम है वो ऑपरेशनल हुआ जो कि इनकमिंग लो फ्लाइंग टारगेट को डिटेक्ट करने में सक्षम था। और इस मिसाइल का जो लॉन्च सिस्टम था वो 1998 में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया। और चूंकि इस मिसाइल के अन्य सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को डेवलप होने में टाइम लगा था जैसे कि इसकी रडार और लॉन्च सिस्टम, तो 1997 में इसी देरी के कारण इंडियन नेवी ने इस त्रिशूल मिसाइल वाले प्रोग्राम में अपना असंतोष व्यक्त किया था। और इसी देरी के कारण ही उस समय इंडियन नेवी ने अपनी फ्रिगेट्स के लिए इस त्रिशूल मिसाइल के साथ जाने के बजाय इसराइल की बराक 1 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ जाना प्रेफर किया। और फिर इसके बाद 1998 तक इस त्रिशूल मिसाइल के 24 से भी अधिक उड़ान परीक्षण आयोजित किए जा चुके थे। और चूंकि इंडियन नेवी पहले ही इसके बदले बराक मिसाइल को चुन चुकी थी तो फिर उसके बाद इस मिसाइल को इंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में। और ये हुआ था 1999 में। हालांकि ये मिसाइल सिस्टम 1999 के कारगिल वॉर में इस्तेमाल हुआ था या नहीं इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये जरूर रिपोर्ट है कि अक्टूबर 2001 में डीआरडीओ ने एक बार फिर से इस मिसाइल सिस्टम की समीक्षा की थी और उसमें पाया गया था कि इस मिसाइल सिस्टम की जो रडार है वो सही तरीके से टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये मिसाइल अपने टारगेट को मिस कर सकती थी। और वहीं जो इस मिसाइल का आर्मी वाला वेरिएंट था उसे त्रिशूल कॉम्बैट व्हीकल सिस्टम के नाम से जाना जाता था और ये ट्रैक BMP-1 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पर आधारित था जिसमें इसकी रडार, कमांड गाइडेंस सिस्टम और मिसाइल जैसे इक्विपमेंट लगाए गए थे। लेकिन इस पूरे त्रिशूल मिसाइल सिस्टम के हैवी वेट के कारण जो BMP-2 थे उनकी मोबिलिटी पर असर पड़ रहा था और इसी कारण से ये BMP-2 के जो चेसिस था वो आर्मी की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा था। और जबकि 2002 में सी स्कीमर के तौर पर इस मिसाइल के नेवल वर्जन को भी टेस्ट किया गया था लेकिन इससे भी कोई खास बात नहीं बन पाई, फिर जिसके परिणाम स्वरूप 2003 में भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि ये मिसाइल अब केवल एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के तौर पर ही इस्तेमाल की जाएगी और जो ये बाकी के अन्य प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ी थी वहां से इसे हटा दिया जाएगा। और फिर 2005 में इस मिसाइल को एक बार फिर से टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के तौर पर सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। और क्या आप जानते हैं कि तब तक इस पूरे मिसाइल सिस्टम की जो डेवलपमेंट कॉस्ट थी वो करीब 2.826 बिलियन रुपए के आसपास पहुंच चुकी थी। और जबकि 2004 में एक बार फिर से इस मिसाइल के 2 दिन लगातार एक के बाद एक टेस्ट किए गए थे। और जो ये मिसाइल थी ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों ही सर्विसेज में इस्तेमाल करने के हिसाब से विकसित की गई थी। और जबकि 2008 में तो तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इस मिसाइल प्रोग्राम को औपचारिक रूप से बंद करने की भी घोषणा की थी और उस समय हर किसी को यही लगा था कि जो त्रिशूल मिसाइल प्रोग्राम है अभी औपचारिक रूप से बंद हो चुका है। लेकिन फिर जनवरी 2013 में ओडिशा की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मोबाइल लॉन्चर से एक मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया और उस समय डिफेंस सोर्सेज का यही कहना था कि वो मिसाइल कोई और नहीं बल्कि भारत की सबसे सोफिस्टिकेटेड शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल थी। अगर बात करें त्रिशूल मिसाइल के स्पेसिफिकेशन की
तो जैसे कि कहा गया कि ये शॉर्ट रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो इसलिए इसकी जो रेंज थी वो केवल 9 किलोमीटर तक थी और ये अपने साथ 15 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में कैपेबल थी और इस मिसाइल को फायर कंट्रोल रडार के साथ सी स्कीमर्स के खिलाफ टेस्ट करने के हिसाब से ही विकसित किया गया था। बाकी इस मिसाइल की खास बात ये भी थी कि ये सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने में सक्षम थी और इसमें लो अल्टीट्यूड रेडियो अल्टीमीटर और हाइट लॉक लूप कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल थे। और आपको ये भी बता दें कि 2013 के बाद से इस मिसाइल के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई, तो इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अब इस मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है या इस पर काम चल रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि इसे टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के तौर पर ही कोई और एडवांस मिसाइल को विकसित करने में इस्तेमाल किया जा रहा हो। हालांकि यह जरूर है कि त्रिशूल मिसाइल का कभी भी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ और न ही इसे इंडक्ट किया गया और इसके बदले इंडियन आर्म फोर्सेस ने बराक मिसाइल्स को चुन लिया। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।